वो तो बड़ा ही कस्टडी में किस तरीके से आप सोच लीजिए, कहीं 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 के प्रेस वाले कर सकते हैं, बोलिए ना। इस न्यूज के प्रायोजक करता है मेम साहब लेडीज वेयर सिटी सेंटर नियर ली शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। आज झूठ मूठ के कह दिया कि प्रेस वाला खड़ा होके पूछ रहा था, तो कहीं प्रेस का लोग ये सब पूछेगा? ये कहीं होता है देश में, दुनिया में कहीं कोई होता है? तो कौन आकर के खड़ा हो गया उस तरह से? तो वहाँ के लोगों को, पुलिस को तो देखना ना चाहिए था पहले से कि आप कोई जेल में हो, उसको इलाज के लिए ले जा रहे हैं या किसी काम के लिए ले जा रहे हैं और रास्ते में हो गया, ये बहुत दुखद है। इस पर तो निश्चित रूप से लोगों को एक्शन करना चाहिए। क्या ठीक है किसी को सजा होती है या किसी पर केस होता है, कोई जेल में है, उस पर हमको नहीं कुछ करना है। हमारा ये है कि कोई भी जेल में रहेगा और कोई भी किस तरह से बाहर जाए और उसको ऐसे ही मार दे, ये तो बड़ा दुखद बात है ना। तो हुआ ही है खराब। क्या लगता है एनकाउंटर हो गया सर उसके बाद? नहीं नहीं, जो भी हुआ है वो एक अलग विषय है, लेकिन किसी को इस तरह से रास्ते में मार पुलिस को तो इतना चाहिए। अब आप जानते हैं हम लोग नहीं करवाते हैं, कोई भी जो जाता है जाकर के जो है जेल में और उसको भेजा जाता है कहीं कोर्ट में या कहीं भी, तो देखता नहीं है, रहता नहीं है उसके सुरक्षा के लिए, ये तो रहना ही चाहिए। ये तो बड़ा दुखद। क्या लगता है लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है यूपी में, पूरे प्रदेश में? उनको सोचना चाहिए, यहाँ की सरकार को सोचना चाहिए किस तरह की घटना होती है, तो सोचना बहुत चाहिए। तो ये तो बड़ा ही दुखद बात है। बीजेपी वाले कह रहे हैं सर अपराधियों का सफाया हो रहा है, योगी मॉडल है। अब हम नहीं जानते हूँ क्या कह रहा है, आप ही लोग ना सोचिएगा। आप सोचिए इस तरह से होता है अपराधियों का सफाया, मैंने मार दीजिए उसको, ये कोई तरीका है? इसका मतलब जो जेल में जाएगा तो उसको मार दीजिए, ऐसा कोई नियम है? आप बताइए तो। अरे तो कोर्ट ना फैसला करता है कि अगर किसी को ये भी सजा होती है कि उसको फांसी की सजा होगी, फांसी हो जाती है। लेकिन बाकी को कोई साल तक का होता है, कितने तक का होता है सजा? लेकिन वो कोई उसको निकलेगा, बीमार हो गया, कोई कहीं जाएगा तो उसको ऐसे होगा? ये तो कभी नहीं होना चाहिए। इसके लिए सब संविधान क्या बना हुआ है? तो हर चीज तो बना हुआ है ना भाई। तो इसके बाद अगर कोई बोलता है इसका मतलब अपनी बात, एक बात हम जानते हैं ना, अब तो लोगों पर जो कब्जा कर लिया है तो उसको क्या कीजिएगा? कोई बात कोई ठीक से तो उल्टा उल्टा का बात है। लेकिन हम जो आज बोल दिए हैं, ये हमारे सब अधिकारीगण चीफ सेक्रेटरी से लेकर के आप से लेकर के सब लोग बैठ करके आपको पूरा जो आज हमने बता दिया है उसी के आधार पर सब जगह नोटिस जा रहा है, चला जाएगा, एक एक जिले को चला जाएगा और शुरू से लेकर के अब तक का सबको जो हम लोग करेंगे उसके लिए। रमजान के मुबारक महीने में आपके ईद को और ज्यादा खास बनाने के लिए आपके शहर दरभंगा में खुल गया है मेम साहब लेडीज वेयर। हमारा पता है सिटी सेंटर निकट ली शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। जी हाँ, मेम साहब लेडीज वेयर, जहाँ मिलेगा आपको एक से बढ़कर एक डिजाइनर व फैंसी कपड़े, जैसे कि सूट पीस, प्लाजो, कुर्ती सेट, नायरा ड्रेस, गाउन, लहंगा चुन्नी, नकाब एवं अन्य सभी प्रकार के लेडीज वेयर। नए नए डिजाइन के साथ साथ शादी विवाह, ईद, छठ, दिवाली और अन्य सभी त्योहारों की खरीदारी के लिए सबसे बेस्ट मेम साहब लेडीज वेयर सिटी सेंटर निकट ली शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। यहां आपको मिलेंगे एकदम लेटेस्ट डिजाइन से सबसे बढ़िया क्वालिटी, इसके साथ ही आपको मिलेंगे एकदम उचित मूल्य। तो इस बार की ईद मेम साहब के संग एक बार अवश्य पधारिए और मनाइए खुशियों से भरी ईद, छठ, दिवाली और अन्य सभी त्योहारों की खरीदारी के लिए सबसे बेस्ट मेम साहब लेडीज वेयर सिटी सेंटर निकट ली शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। यहां आपको मिलेंगे एकदम लेटेस्ट डिजाइन से सबसे बढ़िया क्वालिटी, इसके साथ ही आपको मिलेंगे एकदम उचित मूल्य। तो इस बार की ईद मेम साहब के संग एक बार अवश्य पधारिए और मनाइए खुशियों से भरी ईद। हमारा पता है सिटी सेंटर निकट ली शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। मोबाइल नंबर 9234772764। मेम साहब की ओर से आप सभी को रमजान और ईद की ढेरों शुभकामनाएं।